दिल्ली के किराड़ी इलाके से लापता राजेश कुमार गुप्ता का शव कज्जावाला थाना इलाके में बरामद हुआ है। राजेश कुमार गुप्ता दो दिन पहले किसी से उधार के पैसे वापस लेने के लिए निकला था। राजेश कुमार गुप्ता का फाइनेंस का काम था और उसने किसी को पैसे उधार दिए थे। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले किसी ने उसे पैसे लेने के लिए बुलाया और उसके बाद से राजेश गुप्ता गायब था। दिल्ली के किराड़ी इलाके के प्रेमनगर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज है। पुलिस को कंझावाला इलाके में गर्दन कटी लाश बरामद हुई है। शव की शिनाख्त करवाई गई तो शव राजेश गुप्ता का ही था। काम पर गए थे सुबह और शाम को जो है काम पर से वापस नहीं आए। कब गए थे वो काम पर? सुबह 8-9 बजे गए थे। आज नहीं, संडे। शक है किसी पे? हाँ, किसी पे शक है। क्या क्या बात थी? कम्युनिटी चलाते थे ना। पापा का चुप पापा का चीज लेने गए। चुप कम्युनिटी चला रहे थे तो ये बंदे ने बोल रहे थे कि मतलब कि 10 तारीख को हम पैसे देंगे आपको और उसके बाद जो है ना वो बोले कि फिर हम आपको जो है ना संडे को पैसे देंगे। उसके बाद से गायब है और शाम से फैक्ट्री से निकले तो हमें नहीं पता कि कहाँ गए, क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हत्या किसने और क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पंजाब के सीटीवी के लिए दिल्ली से अनिल कुमार की रिपोर्ट।